सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यूपी टेट कैसे क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 120 नंबर से भी ऊपर आप कैसे ला सकते हैं यूपी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ बताने वाली हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई की थी और किन किन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो आज यहाँ पर ऐसी चार बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिन पर ध्यान दे करके आप अपने एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, यानी कि यूपी टेट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और मेरी तरह आप भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं यूपी टेट और सुपर टेट क्लियर करके बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं केवल यूपी टेट की बात करूंगी, आप लोगों को पहले यूपी टेट क्लियर करना है, उसके बाद फिर सुपर टेट, और फिर मैं सुपर टेट के लिए भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने सुपर टेट क्लियर किया था। तो यहाँ पर आज की वीडियो में दोस्तों चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उन्हीं चार पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपने ये मेरी बताई हुई चार बातें मान ली तो आप आसानी से यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिलेबस। कोई भी एग्जाम जब आप देने जाते हो तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम में पूछे जाने वाले सिलेबस के विषय में, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उस एग्जाम में और उन सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस पूछा गया है, यानी कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना पूछा गया है। जैसे जो आपका यूपी टेट है तो उसमें बाल विकास है, हिंदी है, पर्यावरण है, इसके अलावा मैथ है, संस्कृत है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस विषय में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो सिलेबस है आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और जितने भी टॉपिक हैं उस सिलेबस में दिए हुए उस सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बाल विकास में अगर बाल विकास की अवस्थाएं दी गई हैं, व्यक्तित्व दिया गया है, अभिप्रेरणा चैप्टर दिया हुआ है, बुद्धि, बुद्धि के प्रकार, इन सभी के विषय में दिया हुआ है, तो ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट में यही करना है, हर एक विषय के सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो दूसरा पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। आपको अब ये देखना है कि आपने जो तैयारी की है, आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है। इसके बाद अब बारी आती है रिवीजन की, यानी कि अब आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जो वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे रेगुलर हर विषय का, आप उससे अपना रोज रिवीजन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। हर विषय के ट्रिक वाइज ट्रिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस ट्रिक के, कैसे आप कम समय में बहुत सारे चैप्टर्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रिक वाली वीडियोस बनाई है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बाकी जो रिवीजन की वीडियोस है वो आपको रेगुलर हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि रिवीजन आपका होता रहे और जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, रिवीजन, यानी कि अभी तक आपने देखा सिलेबस, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो चौथा है, रेगुलर पढ़ाई करना, यानी कि रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है। आपके स्टडी में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप कोई भी काम करोगे आप सफल उसमें तभी होगे जब आप उसको बराबर टाइम दोगे, रोज मेहनत करोगे उस पर। तो बस यहाँ पर भी वही चीज है कि आपको रोज मेहनत करनी है, रोज समय निकालना है। अब पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे आसान सा तरीका है, ये मैंने पहले भी बताया है आप लोग को वीडियो के माध्यम से, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली अगर आपके पास पांच सब्जेक्ट है, यानी कि यूपी टेट में पांच सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो पांच में से आप एक काम कर सकते हैं, तीन सब्जेक्ट आप एक दिन पढ़िए, दो एक दिन पढ़िए। इसमें से तीन क्या हो सकते हैं, आप पहले दिन आप पढ़ लीजिए बाल विकास, हिंदी, इसके अलावा संस्कृत, दूसरे दिन आप पढ़ लीजिए गणित और पर्यावरण। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे या
आप अल्टरनेट जब टारगेट बना लोगे कि आज मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े, कल मैं 2 पढ़ूंगा, तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट रोज पढ़ने को मिल जाएगा लगभग, और कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं उनको आप खूब मेहनत करो उस पर एक दिन। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए संस्कृत कमजोर है या गणित कमजोर है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ रखिए जो आपके कमजोर है, ताकि उनको आप पूरा दिन भर अच्छे से टाइम दीजिए, फिर दूसरे दिन उन सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपके अच्छे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। यानी कि आपको जो सब्जेक्ट वीक है उस पर अधिक ध्यान देना है, और जो मजबूत है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इस तरीके से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को जो 4 बातें बताई हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले सिलेबस, उसमें जितने चैप्टर दिए हैं सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरा है रिवीजन करना है, कहाँ से, हमारे चैनल से। हम रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे आपको रिवीजन करने के लिए। उसके बाद फिर चौथा है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस, तो आप लोग प्लीज रेगुलर स्टडी करिए, और जितना आप स्टडी करोगे उतनी ही आसानी से आप यूपीटेट क्लियर करोगे। तो बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर स्टडी करो। तो ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये 4 बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और आप इस पर अमल भी करोगे और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी गेन करोगे। और अगर आपको किसी भी विषय में प्रॉब्लम है, या कोई विषय आपको समझ में नहीं आता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे स्पेशली पढ़ें, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है आपको, तो पर्टिकुलर एक विषय को कैसे पढ़ना है, वो भी उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया कि केवल 4 बातों पर आप ध्यान रख के, सिर्फ 4 पॉइंट्स पर ध्यान रख के आप आसानी से यूपीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो भी अच्छी लग रही होंगी, और जो ये आज की वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ये भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने बिना कोचिंग के यूपीटेट क्लियर किया था। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए बिना कोचिंग के कैसे हम पढ़े, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आसानी से, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप खुद से पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं है किसी कोचिंग की। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है यूपीटेट में बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सभी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। दोस्तों इन वीडियोस को आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़े और इन वीडियोस का लाभ ले सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों जितनी भी वीडियोस हमने आप अपने चैनल पर बनाई है, आपको सभी वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी जाकर के सभी विषयों को देख सकते हैं और अपनी यूपीटेट की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इन वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।